होरावर पुलिस और स्वैट टीम ने बुधवार को करजहां बाईपास के पास बदमाशों के साथ मुठभेड़ के बाद हरियाणा से बिहार ले जा रहे ब्रांडेड 885 पेटी क्वार्टर मानक की अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 25,48,800 रुपए है, जिसका मुख्य सरगना हरियाणा प्रदेश के थाना कोतवाली फरीदाबाद निवासी महेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह है। इसके गिरोह में हरियाणा के ही विकास शर्मा पुत्र गंगा दत्त शर्मा, आजमगढ़ जिले का संजय राजभर पुत्र तुलसी राजभर और जौनपुर जिले का वीरेंद्र राजभर पुत्र रामदिन शामिल है। इनके पास से पुलिस ने अवैध शराब के अलावा एक 32 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है। ये लोग 10 चक्का ट्रक पर माल लेकर जा रहे थे। एक स्विफ्ट डिजायर कार से मॉनिटरिंग भी की जा रहे थे। पुलिस ने दोनों वाहनों को भी अपनी कस्टडी में ले लिया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि चारों अभियुक्त हरियाणा से बिहार अवैध शराब की खेप लेके जा रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो इनमें से एक ने तमंचा से पुलिस पर फायर कर दिया, लेकिन पुलिस ने अपनी बचाव करते हुए अभियुक्तों को धर दबोचा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। नेतृत्व में जनपद की स्वाट टीम और थाना बराबर की टीम द्वारा अवैध शराब की कस्टडी करने वाले चार शातिर तस्करों को पुलिस भवन में गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक 10 चक्का ट्रक और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बरामद हुई और तीन चार व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इन गाड़ियों में 885 पेटी अवैध शराब पटियाला के लिए बरामद की गई और ये तस्करी के लिए बिहार ले जाई जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख के आसपास। ये इस कारोबार में तो इस थाना क्षेत्र में पहली बार पकड़े गए हैं, लेकिन ये लगातार सक्रिय है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है तो लगातार हरियाणा से और पंजाब से वहाँ पे शराब की तस्करी होती रहती है और जनपद गोरखपुर में कई बार अवैध शराब की बरामदगी भी की गई है। अभी सजनवा थाना क्षेत्र में पकड़ी गई थी, जिस नहीं ये लेवल की शराब है, पटियाला मतलब केवल पटियाला में बिक्री के लिए तो ब्रांडेड दारू है, लेकिन ये तस्करी होकर जिस क्षेत्र में इसकी बिक्री अनुमन्य नहीं है वहाँ के लिए जा रही है। लगातार दारू इसलिए पकड़ी जा रही है कि पुलिस का जो नेटवर्क है, जो सूचना तंत्र है, काफ़ी सक्रिय हो गया है और इस सक्रिय तंत्र के होने के बाद हो सकता है या तस्कर नरूर चेंज भी कर देते हैं।